तो गाइस मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे भाइयों का मेरे पास कमेंट्स आ रहा था और इंस्टाग्राम पर भी कई सारे बंदों का मेरे पास डीएम आ रहा था कि भाई आप न्यू ईयर आ रहा है, आप कहाँ पर हो। तो यार मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। पर आप लोगों का बोलने का मतलब यही है कि न्यू ईयर आ रहा है, आप कुछ नया स्ट्रेस क्यों नहीं बना रहे हो। तो आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वाले वीडियो को देखा, वो वाला वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं लगा? लगा हो तो यार लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक करके इस वाले वीडियो को, पता है कितना लाइक मांगूंगा इसके लिए? मैं 1000 लाइक मांगूंगा, ठीक है, जो कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इतना दोस्तों मुझे पता है यार आप इसको कम्पीट भी करोगे, और नहीं कम्पीट हुआ तो जरूर अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो, वो भी करेगा लाइक, क्योंकि वो ये स्टेटस उसको पसंद आएगा ही आएगा, मुझे पता है। तो गाइस इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको पता है को क्या करना है? नहीं पता है, बैठ के बिंदास होकर एक फोटो कैप्चर कर लीजिएगा और उस फोटो का बैकग्राउंड को आपको रिमूव कर लेना है। अगर आपको फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो मुझे पता है आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हो ना। अगर नहीं आता है तो जाओ ऊपर आई बटन पर, मैंने उस वाले वीडियो का लिंक देके रखा है, जिस वीडियो को देख के आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब गाइस आपका जो वन एंड ओनली जो मोबाइल का बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, उसको दोस्तों आपको ओपन करना होगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए अपने काइन मास्टर को आप ओपन कीजिए, मैं जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। अब गाइस आप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहां पर इस स्टेटस एडिटिंग में जितने सारे वीडियो फोटो पीएनजी का जरूरत पड़ेगा हर चीज का मैंने लिंक दे के रखा है, आप एक एक करके हर चीज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड का वीडियो है उसको गाइस सिलेक्शन करनी होगी। उसके लिए दोस्तों आप इस वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से दोस्तों बैकग्राउंड का जो वीडियो है उसको दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड का वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस कुछ इस प्रकार से 0.5 सेकंड पर आप यहाँ पर आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है, और गाइस जो आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको मीडिया का दिख रहा होगा आपको इसी वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से दोस्तों बिल्डिंग का जो पीएनजी आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए थे उसको दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग का पीएनजी है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इन एनिमेशन में क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइस जो मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन दिखाऊंगा उसको दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। देख सकते हैं ये रहा एनिमेशन, आपको दोस्तों इसमें क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइस आपको एक सेकंड के लिए आपको रखनी होगी, और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कर देनी है। कर देने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद गाइस जहाँ पर आपका एनिमेशन कम्प्लीट हो रहा है कुछ इस प्रकार से इतना दूर तक आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से दोस्तों जो फ्लोर का फोटो आप डाउनलोड किए थे उस वाली फ्लोर को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्लोर का फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों उसको कॉर्पिंग करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको राइट साइड में जो कॉर्पिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले कॉर्पिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर का हिस्सा को दोस्तों आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्रॉप कर लीजिएगा, और मास्क को आपको ऑन करके कुछ इस प्रकार से गाइस इसको आप यहाँ फुल पे आप कर दीजिएगा। कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक करना होगा। बैक कर लेने के बाद आपको इसमें भी आपको इन एनिमेशन में आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर भी गाइस आपको उसी वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने उसी वाले एनिमेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से बड़ा करके इसको दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे इस जगह पे इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा, और इसका ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक कर देनी होगी। कर देने के बाद दोस्तों आपको इसको भी आपको यहाँ से अभी अपना वीडियो को प्ले करना है, और कुछ इस प्रकार से जहाँ आपका कम्प्लीट हो रहा है इस जगह पर आप आ जाइएगा। आने के बाद आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर स्टिकर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं आपको दोस्तों इस वाले स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप गेट मोर में चले जाइएगा। जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है आपको इसको ओपन करना होगा, और यहाँ पर गाइस आप देख पाएंगे तो आप नीचे में आपको स्पॉटलाइट 2 का दोस्तों आपको यहाँ पे स्टिकर दिखेगा, आपको दोस्तों इसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेनी है। देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे पहले ही इंस्टॉल करके रखा है। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपल सा स्पॉटलाइट को यहाँ पर ओपन करता हूँ, और यहाँ पर गाइस जो फर्स्ट वाला है इसको दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा, और गाइस इसको आपको यहाँ पे इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से इस जगह गाइस एडजस्ट कर दीजिएगा। एडजस्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इन एनिमेशन में क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइस आप फेड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा,
और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कर देनी होगी। कर देने के बाद फिर से आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से इसी जगह पर आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों अभी गाइस आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो एरोप्लेन का फोटो का पीएनजी आप डाउनलोड किए थे उस वाली फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरोप्लेन का फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस बार एनिमेशन एरोप्लेन को दोस्तों कुछ इस प्रकार से गाइस छोटा कीजिएगा और इस जगह पे गाइस इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। और गाइस आपको इसका ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक करनी होगी। कर देने के बाद आप इस वाले की में एक बार क्लिक कीजिएगा और कुछ इस प्रकार से गाइस आपको यहाँ पर लास्ट तक आपको यहाँ पर आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले प्लस के मार्क में क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से गाइस एरो में पकड़ के अभी इसको इतना बड़ा आप यहाँ पे कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। कर देने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस इसमें भी आपको इन एनिमेशन में क्लिक करके फेड पे आपको क्लिक कर देना होगा। कर देने के बाद दोस्तों आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों अभी गाइस आपको 2021 का दोस्तों जो फोटो है उसको दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2021 का जो फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से छोटा करके इस जगह पे दोस्तों इसको आप यहाँ पे रखिएगा कुछ इस प्रकार से इस जगह पे। और इसमें गाइस आपको इन एनिमेशन में क्लिक करके आप गाइस यहाँ पे ड्रॉप के ऑप्शन पर आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिएगा। देख सकते हैं ये रहा ड्रॉप, तो आपको इसका सिलेक्शन कर देना होगा और गाइस इसको आपको एक सेकंड के लिए आपको रखनी है और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कर देनी होगी। अब फिर से आप अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों अभी गाइस आप जो अपनी फोटो का पीएनजी निकाले हो उस वाली फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा फोटो का पीएनजी है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों इस वाली फोटो का कुछ इस प्रकार से गाइस इस जगह पे इसको आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस प्रकार से गाइस आप अपनी फोटो को अपने हिसाब से इस जगह पर आप इसको बैठा दीजिएगा। बैठा देने के बाद गाइस इसमें भी आपको इन एनिमेशन में क्लिक करना होगा और यहाँ पर भी दोस्तों आपको ड्रॉप के ऑप्शन पे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर दीजिएगा और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कर देनी होगी। कर देने के बाद दोस्तों फिर से आप अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो हैप्पी न्यू ईयर का जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो डाउनलोड किए थे उसको दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैप्पी न्यू ईयर का ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो ग्रीन स्क्रीन है इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो कोरमाकी का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको सिंपल सा इनेबल का ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और ये जो दोस्तों आपको यहाँ से बैक कीजिएगा। बैक कर लेने के बाद गाइस आपको इसमें इन एनिमेशन में क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आप फेड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके करनी होगी। ओके कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको गाइस आप यहाँ पे छोटा कीजिएगा कुछ इस तरह से इस जगह पे इसको आप लाके छोटा कीजिएगा और आपको जो की दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले की में आप क्लिक कीजिएगा और कुछ इस प्रकार से गाइस आपको यहाँ पे लास्ट तक आपको आना होगा। आने के बाद प्लस के मार्क में क्लिक करना है और इसको दोस्तों इस जगह पर लाके इसको हल्का सा आप कुछ इस प्रकार से बड़ा कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से किया है सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप कर लीजिएगा। लीजिए दोस्तों आपका जो स्टेटस यहाँ पर रेडी हो गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। अब आपको इस वाले शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बस अपना फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो तनिक सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो का दोस्तों मैं लाइक एम रखता हूँ 1000 लाइक का। मुझे पता है मैं यार ज्यादा मांग रहा हूँ पर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इतना दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू धमाकेदार स्टेटस के साथ। बाय बाय टाटा जोहार गए।